टीम इंडिया के खिलाड़ी अभी बुची बाबू टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी श्रेयस अय्यर भी मुंबई के लिए इस टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मुंबई टीम की कप्तानी सरफराज खान के हाथों में है। बुची बाबू टूर्नामेंट में मुंबई का मुकाबला TNCA 11 की टीम से है और इस मुकाबले में कप्तान सरफराज खान ने अपने स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को गेंदबाजी सौंपी और जब मुंबई का ये स्टार खिलाड़ी गेंदबाजी करने आया तब इस स्टार की गेंदबाजी का वीडियो वायरल हो गया। श्रेयस अय्यर जब गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने IPL के स्टार खिलाड़ी की याद दिला दी। श्रेयस अय्यर का एक्शन बिल्कुल ही वेस्ट इंडीज के स्टार गेंदबाज सुनील नरेन की तरह था। अय्यर सुनील नरेन के एक्शन की कॉपी कर रहे थे और उनके इस गेंदबाजी एक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और इस मैच में श्रेयस अय्यर ने भी अपनी गेंदबाजी को एंजॉय किया। आपको बता दें, जब से टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर बने हैं तभी से टीम इंडिया के बल्लेबाज भी गेंदबाजी पर ध्यान दे रहे हैं। रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव ने पहले टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और अब घरेलू क्रिकेट की बात करें तो ईशान किशन ने भी बुची बाबू टूर्नामेंट में गेंदबाजी की। हाल ही में ऋषभ पंत ने भी दिल्ली प्रीमियर लीग में गेंदबाजी की और अब श्रेयस अय्यर ने भी अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाकर कोच गौतम गंभीर को इम्प्रेस करने की कोशिश की है। टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने के लिए खिलाड़ियों के बीच ज्यादा कॉम्पिटिशन है। ऐसे में उन खिलाड़ियों की डिमांड ज्यादा हो रही है जिसके पास ज्यादा क्वालिटीज है और शायद यही वजह है कि टीम इंडिया के बल्लेबाज भी गेंदबाजी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।